हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आज फिर से हम जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज हम जो देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन बूस्टर की जो सीरीज़ चल रही है, हम उस सीरीज़ में आगे बढ़ चुके हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, यदि आपका कैलकुलेशन अभी भी वीक जा रहा है, तो प्लीज़ उन बाकी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ना चालू हो गई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं और बहुत शानदार तरीके से आज नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। क्या सीखना है इस कॉन्सेप्ट में, देखिएगा ज़रा। यदि हमारे पास इन नंबरों के यदि स्क्वायर्स निकालना है, जो स्क्वायर्स हमारे पास 100 के नियर बाय हैं, तो हम उन क्वेश्चनों को बनाने के लिए बहुत शानदार सी ट्रिक लगा सकते हैं। क्या वो बहुत आसान सी ट्रिक है, ज़रा गौर फरमाइएगा। देखिए, आपको करना क्या है, ये जो नंबर आपके पास गिवन है, इनको 100 से कंपेयर करना है। कितने से कंपेयर करना है, 100 से। तो 100 यदि मैं कंपेयर करने लग रहा हूँ, तो 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, यही चेक करना है। तो 100 से ये नंबर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ दो कम है। कितना कम है, फिर से बोलना ज़रा। सर, दो कम है। तो आप क्या करिए, उसी डिफरेंस वाले नंबर का स्क्वायर करिए। तो ज़रा 2 का स्क्वायर ज़रा सारे लोग बताएंगे मुझे, तो आपको पता है सर 2 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो भाई, आवाज़ नहीं आ रही है। 0.4 होता है सर। आपको क्या करना है, 100 के रिस्पेक्ट में जितनी भी वैल्यू स्क्वायर करेंगे आप डिफरेंस वाली, उनको हमेशा किस में लिखेंगे, दो डिजिट में लिखेंगे, दो अंकों में लिखेंगे। ये बात गौर से समझ लीजिएगा। अब क्या करना है, यदि ये नंबर 2 कम है, तो इसके ओरिजिनल वाले नंबर से सर 2 माइनस कर दीजिए। तो 98 से ज़रा 2 माइनस करके बताइए कितना होगा। तो आपका जवाब होगा सर 96 होगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर 9604 आ चुका है, और आपने बहुत शानदार तरीके से इस मेथड को समझ जरूर लिया होगा। बढ़े आगे, एक बार दोबारा समझना भाई, अभी बिल्कुल शांति से बैठे रहो। कितना डिफरेंस बना रहा है, बोलो भाई, बस बोलते चलना। यदि बोलने की आदत आपने डाल ली, तो मुझे लगता है सारी बातें बहुत आसान लगेंगी। तो आपको पास ये नंबर कितना डिफरेंस बना रहा है, 8। तो ज़रा 8 का स्क्वायर बताएंगे सभी लोग। तो 8 का स्क्वायर सर 64 होता है। दिस नंबर इज इन टू डिजिट, देन वी कैन राइट द नंबर 64। तो अगली बात क्या है, 98 से कितना माइनस करना है, जल्दी से बोल के बता दो भाई। तो 98 से माइनस करना है कितना, 8। तो 92 से यदि हम 8 माइनस करेंगे, तो क्या हम ये नंबर को 86, 84 या 88 किस पे ले जाएं। तो भैया 2 कम करेंगे और फिर 6 कम कर देंगे, तो ये नंबर 84 पे ही पहुंचेगा। माइनस करने के लिए आप टुकड़ों में माइनस किया करो, इकट्ठा माइनस करने में कन्फ्यूज़न होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए थोड़ा सा प्रयास पॉजिटिव करें। आगे बात करते हैं, देखिए फिर से समझिए, ये नंबर इस नंबर से कितना कम है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बस सिर्फ 3 कम दिख रहा है। तो जल्दी बताओ 3 का स्क्वायर कितना, सर 09 आएगा। बस कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ इससे कितना माइनस कर दें। तो आपका जवाब 97 से 3 माइनस कर दें सर, तो आपको मालूम पड़ेगा कितना, बोलो मेरे दोस्त, 94 मिलेगा। और लो भाई, आंसर आपकी नज़रों के सामने आ चुका है। लास्ट क्लास में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, यदि कोई भी कैलकुलेशन में सर्टेन मिस्टेक आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको अप्रिसिएट ज़रूर करूँगा सर उस कमेंट के लिए। ये नहीं कि आप बस कि अरे ये तो गलत हो गया, चिंता मत करिए, बोर्ड पे थोड़ी बहुत माइनस ही कभी कभार हो जाती है मिस्टेक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे नंबर यही 100 नंबर के पास में तो हैं, लेकिन 100 से बड़े हैं, तो क्या करना है। तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो भैया ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर इस बार तो ये 6 ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो 6 है ना, इस 6 का स्क्वायर निकाल दो। तो बोलो भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 को कैसे लिखेंगे, जल्दी से बोलो, दो डिजिट में लिखेंगे। तो 36 आपने लिख दिया, इज इट क्लियर। एक बार और, अब इसको 6 यदि प्लस में है, यहाँ माइनस में था बच्चे, तो माइनस किया था, यहाँ प्लस में है, तो क्या करेंगे, जल्दी से बताओ बोल के, माइनस की प्लस, सब प्लस करेंगे इस बार। तो 106 में 6 जोड़ दो, तो कितना हो गया, 112 हो गया। लो भैया 112, 36 आपके पास सामने आंसर नज़र आ गया,
बोलो भाई, बहुत आसान है कि नहीं ट्रिक? सुनो अगली बात, ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 12 ज़्यादा है। बेटा 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। नहीं आता, मैं लिख देता हूँ, 12 का स्क्वायर 144 होता है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन लिखेंगे कितना जरा मुझे बोल के बताओ? तो आप बोलेंगे सर सिर्फ और सिर्फ हमें लिखना होगा 44। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 100 से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस है उसको हमेशा स्क्वायर करेंगे और दो डिजिट में लिखेंगे। तो भाई हमने दो डिजिट, तो इस एक का क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर एक ये कैरी है। क्या है भाई? कैरी है, हासिल है। तो चलो भाई अगली बात, 112 में 12 और जोड़ दो, कितना हो गया? 124 हो गया। 124 में जरा एक और जोड़ के बताओ, तो आपके पास ये बात क्या 125 बन गई? आंसर आपकी नज़रों के सामने चल रहा है भाई। इतना आसान तरीका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सीरीज़ जो चला रहा हूँ ये हर एक पर्सन के लिए है, चाहे वो तैयारी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, चाहे उसने पढ़ाई छोड़ दी हो या कभी पढ़ाई की ना हो, सभी के लिए ये कैलकुलेशन वाला जो काम है बहुत आसान है। इसको आप ये मत सोचोगे ये सिर्फ कंपटीशन के पर्पस से, कंपटीशन में तो काम आता ही है लेकिन अदर पर्पस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे चलते, ये सुनिए, ये नंबर से कितना ज़्यादा? तो आपका जवाब होगा सर ये तो 16 ज़्यादा है। अब दिमाग में एक प्रॉब्लम आ गई, सर 16 का स्क्वायर तो याद नहीं है। तो बेटा याद नहीं है तो कर लो ना, क्योंकि भैया 20 और 50 तक के स्क्वायर तो याद होना चाहिए। तो भाई 16 का स्क्वायर 256 होता है, याद नहीं है, मैं लिख देता हूँ कितना होता है, 256 होता है। तो 256 में कितना लिखेंगे? सिर्फ 56 लिखेंगे भैया, दो कितनी आएगी? कैरी। तो भाई 16 यदि जोड़ दें भाई 116 में, तो 16 दूना 32 होता है, 132 हो गया। लेकिन कैरी को प्लस करना नहीं भूल जाना, तो 132 में बेटा दो और प्लस कर लें तो 134 ना बन जाए ये। तो आपके पास लो भाई आंसर आ गया। मुझे लगता है ये सारी ट्रिक्स आपको 100% समझ आ गई होगी। यदि आपको ये सारी बातें 100% समझ आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर डालें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं या आपको वीडियो में और क्या सुधार चाहिए। ये सारी तमाम बातें प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो कैसा भी लगता है आप कमेंट में ज़रूर दें, इससे मुझे उत्साह काफ़ी बढ़ता है। चलिए भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, होप सो आपको ये ट्रिक काफ़ी कारगर साबित हुई होगी। इसी सीरीज़ में और ट्रिक आपको सिखाई जाएंगी, धीरे धीरे हम टॉनिक्स के रूप में ये चीज़ें लेते रहेंगे तो आपको ये सारी बातें आसान लगेगी। और मैं सारा चैप्टर एक साथ निपटा दूँ कि सारी ट्रिक्स एक दिन में सिखा दूँ, तो भैया ये चीज़ें थोड़ी सी हाइजीन नहीं रहेगी। तो हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर डोज लेना है, तो प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे लीजिए। मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो रेगुलर बेसिस पे आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच आप जुड़े, हृदय से धन्यवाद सारे बच्चों का। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच।